रांची समाहरणालय में अपर समाहर्ता कार्यालय में पोस्टेड अमित कुमार पर गंभीर आरोप लगे हैं। अमित कुमार पर आरोपों की चिट्ठी राज्य के मुख्य सचिव तक पहुंची है, जिसमें 21 पॉइंट्स के आधार पर अमित कुमार को भ्रष्टाचारी बताया गया है। अमित कुमार से ही हम उन पर लगे आरोपों का जवाब लेने पहुंचे, लेकिन अमित ने कैमरे पर कुछ नहीं कहा। अमित कुमार TV45 के कैमरे से भागते नजर आए। मैं फिलहाल रांची के अपर समाहर्ता कार्यालय के बगल में समाहरणालय में रूम नंबर 305 में हूँ। जहाँ पर मैं हूँ, ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं मिस्टर अमित कुमार, बिजनेस एनालिस्ट DPMU रांची। ये इनका कैबिन है, इस कैबिन में मैं हूँ। 14 पॉइंट में अमित कुमार जी के खिलाफ एक शिकायत झारखंड के मुख्य सचिव के पास पहुँची है। 14 पॉइंट में अलग अलग तरह की शिकायतें हैं, जिसमें अवैध वसूली से लेकर के मैनेज करने से लेकर के कांके अंचल में ऑपरेटर की नियुक्ति में पैसे लिए जाने तक का आरोप है। खबर दिखाने का जो तकाजा है, उस तकाजे के आधार पर हम अमित कुमार जी के पास पहुंचे कि हम समझ सकें, जान सकें कि किन पॉइंट्स के आधार पर ये आरोप लगाए गए। अमित कुमार जी से हमने बात करने की कोशिश की, अमित कुमार जी से हमने सवाल किया, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए, आप संबंधित अधिकारी अगर मुझसे ये बात पूछते हैं तो मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन मैं मीडिया को जवाब देने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। रूम नंबर 305, जैसा कि आप देख सकते हैं, सहप्रभारी पदाधिकारी राजस्व शाखा कहा जाता है अपर समाहर्ता कार्यालय में। जहाँ पर मैंने लोगों से भी बातचीत की तो कहा गया कि भाई अमित कुमार जी जो हैं यहाँ पर बैठते हैं, अमित कुमार जी यहीं जो हैं पोस्टेड हैं। आरोप उसमें यह भी इनके ट्रांसफ़र से जुड़ा हुआ कि भाई सब लोगों का, इनके विभाग के सभी लोगों का ट्रांसफ़र हुआ DPMU में, लेकिन अमित कुमार जी का ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो ऑफ द कैमरा उनका यही जवाब था कि भाई ट्रांसफ़र करने का अधिकार मेरा तो है नहीं, वो तो संबंधित पद जो विभाग है वो ट्रांसफ़र करता है, और इसके लिए बाकायदा एक टीम बनती है, वो टीम जैसा फैसला करती है, इंटरव्यूज़ होते हैं, उसके आधार पर ही सारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है, सबको विभाग दिया जाता है। अमित जी पर यह भी आरोप है कि भाई उन्होंने विभाग के अंदर की कुछ गुप्त सूचनाएं जो हैं वो लीक की हुई हैं, लेकिन जिसका मैंने उनसे जवाब लेने की कोशिश की, अमित कुमार जी का यही जवाब था कि भाई ऐसा कुछ आरोप अगर है तो भाई मेरे को बताया जाए कि मैंने कौन सी सूचना लीक की है और उसका मैं जवाब देने को जवाब दूंगा। इसके अलावा आय से अधिक संपत्ति का भी उनके ऊपर आरोप लगाया और कहा गया कि भाई एक स्कॉर्पियो उन्होंने अपने परिवार के किसी शख्स के नाम पर ली है, जिसका भी सवाल मैंने उनसे पूछा, जिस पर उन्होंने कहा कि भाई ये जांच कर लिया जाए कि स्कॉर्पियो किसके नाम पर है। तो कुल मिलाकर के एक के बाद एक आरोप अमित कुमार जी पर लगे हैं, जिसके जवाब फिलहाल उन्होंने नहीं दिए, कैमरे पर आने से उन्होंने इनकार कर दिया है, लेकिन मुख्य सचिव झारखंड के पास ये शिकायत पहुंची है। अगर शिकायत पहुंची है तो इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। सहयोगी मंटू के साथ मैं अभिषेक भारती, TV45 रांची।